हेलो फ्रेंड्स, फ्री का ज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं शिवम प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस लेसन में हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन का लेसन 9 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग दीज दोज के साथ प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे और उसमें एंड का यूज़ भी सीखेंगे। तो जैसे हमें पता है, दीज का मतलब ये होता है और दोज का मतलब वे। इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही यूज़ होता है, क्योंकि ये हमेशा एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट, मटेरियल या फिर ऑर्गेनिज्म के साथ यूज होते हैं। अगर कभी दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के बीच में एंड लगाकर उन दोनों को जोड़ा जाता है तो उसके बाद भी प्लूरल नाउन यूज होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स के साथ दीज दोस और एंड का यूज प्लूरल नाउन के साथ देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनमें दीज दोस और एंड का यूज किया गया है। आइए इन सभी को बनाकर हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से इन सभी वर्ड्स के साथ प्लूरल नाउन का यूज होता है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये गाड़ियाँ यहाँ हैं। तो यहाँ हम लोग को पता है ये का इंग्लिश वर्ड होता है दीज और गाड़ियाँ का हो जाता है कार्स। तो हमारा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होगा, दीज कार्स और यहाँ का हो जाता है हेयर। और यहाँ पे गाड़ी का संख्या एक से ज़्यादा है तो इसीलिए हम लोग क्या प्लूरल नाउन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, दीज उसके बाद आएगा कार्स आर हेयर। देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हमारा सेंटेंस फॉर्म कर रहा है। तो हमारा सेकंड एग्जांपल है, वे लड़के लंबे हैं। तो हमें पता है कि वे का इंग्लिश वर्ड होता है दोज और लड़के का हो जाता है बॉयज, लंबे का टॉल। तो इसका सेंटेंस बनेगा, दोज बॉयज, ये हमारा प्लूरल नाउन है इसीलिए बॉय के साथ एस लग जाएगा जिससे हम लोग का हो जाता है प्लूरल, आर टॉल। आइए थर्ड एग्जांपल्स देखते हैं, जो कि है ये पंखे हैं। तो ये फिर से हो जाएगा दीज उसके बाद हो जाएगा आर, पंखे का होता है फैंस। हमारा चौथा एग्जाम्पल है, वे चित्र हैं। तो वे का फिर से हो जाएगा दोस और चित्र का होता है पेंटिंग। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, दोस आर पेंटिंग्स। और हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, राम और सीता यहाँ हैं। तो यहाँ हमें पता है कि राम सीता दोनों ही सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये दोनों और के मदद से जोड़े जा रहे हैं तो इनके साथ प्लूरल नाउन यूज होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा राम एंड सीता आर, यहाँ का हो जाएगा हेयर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने ही आसानी के साथ हम लोग का ट्रांसलेशन बन रहा है। अगर इसे समझने में किसी भी तरह की आपको दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं जल्द से जल्द देने का कोशिश करूँगा। ये एक्सरसाइज अभी सॉल्व किए हुए एग्जाम्पल पे ही बेस्ड है, इसे भी आप बड़े ही आसानी के साथ बना सकते हैं। इन क्वेश्चंस को बनाकर आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।